तो गाइस, अगर आप कोई 10,000 के नीचे कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि कौन सा फ़ोन ख़रीदें, तो आज मैं लेके आ गया हूँ दो ऐसे फ़ोन्स जो 10,000 के नीचे बेस्ट फ़ोन होंगे आपके लिए। तो मैं यहाँ पर आज Redmi 7 और Realme 3i का बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों फ़ोन अपने सेक्टर में बहुत ही बेस्ट फ़ोन है 10,000 के नीचे। तो आज मैं इन दोनों के बीच कंपेयर करने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे Redmi 7 का, और यहाँ पर हमें Redmi 7 में ऑरा स्मोक डिज़ाइन देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, कॉमेट ब्लू, एक्लिप्स ब्लैक, लूनर रेड। और अब हम बात कर लेते हैं Realme 3i का। तो Realme 3i में हमें डायमंड फिनिश का डिज़ाइन देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी हमें 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलता है। फर्स्ट कलर वेरिएंट है डायमंड ब्लैक, सेकंड डायमंड ब्लू, और थर्ड है डायमंड रेड। तो ये तीनों कलर ही बहुत ही अच्छा है। और अब बात कर लेते हैं Redmi 7 का डिस्प्ले के बारे में। तो Redmi 7 में हमें 6.2 इंच का HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और यहाँ Realme 3i में भी हमें 6.2 इंच का HD प्लस डॉट नॉच देखने को मिल जाता है। और इन दोनों में हमें गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर Redmi 7 में हमें कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, और यहाँ Realme 3i में हमें कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं Redmi 7 का प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर Redmi 7 में हमें Qualcomm Snapdragon 632 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और ये आता है आपका क्रायो 250 आर्किटेक्चर के साथ, और इसमें हमें 1.2 GHz का क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं Realme 3i के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर Realme 3i में हमें MediaTek Helio P60 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और इसमें हमें 2.0 GHz का क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है, और इन दोनों फोन्स में हमें ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के रैम के बारे में। तो यहाँ Redmi 7 में हमें 3GB की रैम मिलता है, और यहाँ Realme 3i में भी हमें 3GB की रैम मिलता है, और यहाँ पर इन दोनों फोन्स में हमें 32GB का इंटरनल मेमोरी भी देखने को मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं Redmi 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर Redmi 7 में हमें Android 9 Pie OS देखने को मिलता है, और ये आता है आपका MIUI 10 के साथ, और यहाँ पर Realme 3i में भी हमें Android 9 Pie का OS देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें ColorOS 6 का UI देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं Redmi 7 के कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर Redmi 7 में हमें पीछे की तरफ डुअल कैमरा देखने को मिलता है, और जो मेन कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का, और यहाँ फ्रंट में भी हमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर Realme 3i में हमें पीछे की तरफ डुअल कैमरा देखने को मिलता है, और इसका जो मेन कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर Redmi 7 में हमें 4000mAh का बैटरी देखने को मिलता है, और Realme 3i में हमें 4230mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। और इन दोनों फोन्स में हमें ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलेगा, मतलब इन दोनों फोन्स में हमें डुअल सिम स्लॉट और माइक्रो SD स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के सेंसर के बारे में। तो यहाँ पर Redmi 7 में हमें पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और प्रॉक्सिमेट्री सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ई कॉम्पास या मैग्नेटिक सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर Realme 3i में भी हमें पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर, प्रॉक्सिमेट्री सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और मैग्नेटिक सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो ये थे हमारे इन दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशन। तो अब हम इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन करेंगे। तो हमें इन दोनों फोन्स में सेम डिस्प्ले डिजाइन और डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इनके प्रोटेक्शन की। तो यहाँ पर Redmi 7 में हमें Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर Redmi 7 जीत जाता है, क्योंकि Realme 3i में हमें Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर Redmi 7 को मिलता है 1 पॉइंट, और Realme 3i को मिलता है 0 पॉइंट। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ Redmi 7 में हमें Snapdragon 632 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और Realme 3i में हमें MediaTek का Helio P60 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो एज फॉर बेंचमार्क्स एंड परफॉर्मेंस, हमें Realme 3i में ज़्यादा परफॉर्मेंस और ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है बजाय Snapdragon 632 का प्रोसेसर। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में Realme 3i को मिलता है 1 पॉइंट। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के रैम के बारे में। तो यहाँ पर हमें सेम रैम और सेम इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है, तो इसीलिए हम इन्हें कोई पॉइंट्स नहीं देंगे। तो अब बात कर लेते हैं इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पर इन दोनों फोन्स में हमें एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो मुझे MIUI ज़्यादा अच्छा लगता है ColorOS से, क्योंकि ये थोड़ा सा वेल ऑप्टिमाइज लगता है और थोड़ा सा क्लीन लुक देता है बजाय ColorOS के। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आपको ये ColorOS ज़्यादा अच्छा लगता हो, तो इसीलिए यहाँ पर हम कोई इसमें पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पर्सनल
पर्सनल ओपिनियन का कोई पॉइंट नहीं देते हैं। सो अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। तो यहाँ पर हमें दोनों फोन्स में पीछे की तरफ डुअल कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन Redmi 7 में हमें 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है और यहाँ Realme 3i में हमें 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है। सो यहाँ पर कैमरे में Realme 3i जीत जाता है। तो यहाँ पर Realme 3i को मिलता है और एक पॉइंट्स। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरे की। तो यहाँ पर Redmi 7 में हमें फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और Realme 3i में हमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली Realme 3i को फिर से और एक पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में Realme 3i में मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के बैटरी की। तो यहाँ पर Redmi 7 में हमें 4000mAh का बैटरी मिलता है और यहाँ Realme 3i में हमें 4230mAh का बैटरी मिलता है, और यहाँ पर भी Realme 3i फिर से जीत जाता है। तो अब हम आ जाते हैं इन दोनों फोन्स के स्लॉट की तरफ। तो यहाँ पर हमें दोनों फोन्स में ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, सो इसीलिए हम इनमें कोई पॉइंट्स अभी नहीं देंगे। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के सेंसर की। तो यहाँ पर हमें दोनों फोन्स में सेम सेंसर देखने को मिल जाता है, कोई कम या ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर भी हम कोई इसमें पॉइंट नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल चुका है कि कौन सा फोन जीत गया है। तो यहाँ पर हमें Realme 3i जीत जाता है 4 पॉइंट्स के साथ। लेकिन मैं अगर बात करूँ मेरी पर्सनल ओपिनियन की, तो यहाँ पर मुझे सच में Realme 3i ज़्यादा बेटर लगा कम्पेयर टू Redmi 7। और जो कलर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। और जब भी आप इस फ़ोन को लेके बाहर निकलेंगे तो मैं बेट लगा सकता हूँ कि कोई ना कोई आपको ज़रूर पूछेगा कि ये कौन सा फ़ोन है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको 10,000 के नीचे कोई फ़ोन अगर बाय करना है तो आप ज़रूर Realme 3i देख सकते हैं। सो अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो आपके लिए मैं आगे भी और भी वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।